अप्रैल 4 और 5 को TCF ने कराची के इलाके रेहड़ी घोट में इमदाद पहुंचाने का काम किया। ये वो इलाका है जहां पे मोबाइल फ़ोन बैंकिंग की सहूलत मुहैया नहीं है, इसलिए जो भी इमदाद पहुंचनी थी वो राशन की सूरत में ही पहुंचनी थी। और इस सिलसिले में TCF का साथ दिया TCF के पार्टनर कराची रिलीफ ट्रस्ट यानी KRT ने, जिन्होंने उस राशन का इंतज़ाम किया जो कि इस इलाके तक पहुँचाया गया। इस काम को बखूबी सर अंजाम देने का जिम्मा जो है वो TCF के एलुमनाए जो कि TCF के स्कूल से पढ़े हैं, उसी इलाके में रहते हैं, उनकी कायम करदा एक नौजवानों की तंजीम ने उठाया। रेहड़ी घोट में 17 हिस्से, जिसको रेहड़ी घोट में पहाड़े कहा जाता है, 17 पहाड़े मौजूद हैं और इस तंजीम के अंदर उन 17 पहाड़ों के नौजवान जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बैठते हैं। इस तंजीम ने कहा कि जी ये काम हम मिलकर आपके साथ करेंगे और उन पहाड़ों में अपने अपने इलाके में उन लोगों की निशानदेही करेंगे जो कि वाकई मुस्तहिक हैं, जिन तक कोई भी इमदाद नहीं पहुंच पाई है। और उन्होंने यही काम किया और इस तरह 506 खानदान ऐसे थे जिनकी निशानदेही की गई, जिनको इस इमदाद की अशद ज़रूरत थी। रेहड़ी घोट में ज़्यादातर लोगों का पेशा माहीगीरी है और ये इलाका शहर से कदरें हट कर है। सिंध हुकूमत के उसूल के तहत जहाँ जहाँ शहर में राशन तकसीम होना है वो रात के अंधेरे में यानी लगभग 3-4 बजे होना है। इलाके की मुसाफत को नज़र में रखते हुए कराची रिलीफ ट्रस्ट के वॉलंटियर्स और रेंजर्स के लिए मुमकिन ना था कि तमाम सामान वहाँ पे रात के उस पहर पहुँचाया जा सकता और ये एक बड़ा मसला दरपेश आया। इस मसले का हल उन्हीं नौजवानों ने जो इस तंजीम का हिस्सा है उन्होंने निकाला और 20 ऐसी छोटी लोडिंग गाड़ियों का इंतज़ाम किया किराए पर जो कि वो सामान लेकर आ सकें। वो तमाम राशन कराची रिलीफ ट्रस्ट ने रेंजर्स के हेडक्वार्टर पे पहुंचाया और ये 20 गाड़ियां जो हैं काफ़िले की सूरत में वहां पे रात को 2-2.5 बजे गई और वो सामान ये काफ़िले की सूरत में लेके वापस रेहड़ी घोट पहुंची और तमाम पहाड़ों में जो जो घराने जो कि जिनकी निशानदेही पहले की गई थी उन तक ये राशन तकसीम किया गया। और ये तकसीम का काम जो है सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम तकाज़ों को नज़र में रखते हुए किया गया। इस काम को कामयाबी से करने के लिए हम शुक्रगुजार हैं रेहड़ी घोट के उन तमाम नौजवानों के और कराची रिलीफ ट्रस्ट के, जिन्होंने इस काम को मुमकिन बनाया।